वेलकम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। 6-7 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था सेंटर ऑफ रिजिडिटी या फिर सेंटर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द बिल्डिंग निकालने के लिए। ये जो आज का जो वीडियो है उसी का एक आगे का पार्ट है। हम आते हैं कि हमने पिछली बार क्या किया था उस पर। बेसिकली पहले हमने अर्थक्वेक डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चन किए 2-3 वीडियो में, फिर हम आए कि हमारा सेंटर ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। वहीं पे हमने समझा था कि सेंटर ऑफ रिजिडिटी को ही सेंटर ऑफ स्टिफनेस भी कहते हैं, और स्पेसिफिकली जो हमारा जो सेंटर ऑफ रिजिडिटी वाला वीडियो था वो RTU के 6th सेमेस्टर में विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर था। और आज का भी ये जो वीडियो है, अगर कोई RTU से बाहर का स्टूडेंट है तो बेसिकली आपको कंसेप्ट समझने में तो हेल्प करेगा ही। आपको उसके लिए पहले सेंटर ऑफ रिजिडिटी का पहला वाला वीडियो भी देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आज का ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमारे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, ये एक पर्पज़ है। कंसेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं इसका, तो मैं ज़्यादा कंसेप्ट पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ इसको सॉल्व कैसे करना है भाई उसी को हम देखेंगे। ठीक है, पर लास्ट टाइम के वीडियो में हमने जो चीज़ देखी थी वहाँ पे ये था कि हमें शियर वॉल्स दे रखी थी। ठीक है, और वहाँ पे कोई कॉलम वगैरह नहीं दे रखे थे। जो हमारा स्केच था अगर आप देखेंगे तो हमें शियर वॉल दे रखी थी और शियर वॉल का स्टिफनेस दे रखा था। तो हमने उस क्वेश्चन को का सेंटर ऑफ रिजिडिटी या फिर कहें कि सेंटर ऑफ स्टिफनेस कैसे निकाला था, शियर वॉल्स के स्टिफनेस की हेल्प से। हमने बाकी कोई भी कंपोनेंट अगर होगा जैसे कि कॉलम वगैरह होंगे स्ट्रक्चर में, उसको क्योंकि हमारे स्केच में नहीं दे रखे थे हमने क्या किया था, इग्नोर किया था, नेगलेक्ट किया था। ठीक है, अब RTU में किस तरह का क्वेश्चन आता है आपका दूसरा टाइप सेंटर ऑफ स्टिफनेस या फिर सेंटर ऑफ रिजिडिटी पूछने का। ये जो आप बॉक्स में देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ होता है और पूछते हैं कि इसका सेंटर ऑफ रिजिडिटी निकालो, सेंटर ऑफ स्टिफनेस निकालो। अब यहाँ पर क्या है, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस ये है कि स्टिफनेस नहीं दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन में आपको अगर याद हो तो कुल 5 शियर वॉल थी, जिसमें के, फिर एक और शियर वॉल का के, और जो हमारी लास्ट एक शियर वॉल का 2K स्टिफनेस दे रखा था। और ये सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, लिख देता है लोकेट सेंटर ऑफ स्टिफनेस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस स्केच में कि कॉलम्स, क्योंकि ये मेरी फ्रेम स्ट्रक्चर है तो कॉलम है वो मेरे कंट्रीब्यूट करेंगे, मेजरली कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे स्टिफनेस को लेके या फिर हमारी रिजिडिटी को। तो हम क्या करेंगे कि हर एक कॉलम का हमें स्टिफनेस एज्यूम करना है। तो हम पहले एज्यूम कर लेंगे कि इन हर एक कॉलम का, जैसे कि मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है कि स्टिफनेस एज्यूमिंग स्टिफनेस ऑफ इच कॉलम इज इक्वल टू के और एज्यूमिंग ओ एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो इससे मैंने ओ को पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया कि मैं ये मेरा एक्स, अगर मेरे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये मेरा उसका रेफरेंस पॉइंट है, 0-0 है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या हो सकता है उसको भी आप देख लीजिए। आगे का सॉल्यूशन बहुत ईजी है, 2-5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वो। कि एग्ज़ाम में आपको अगर इस तरह से देता है और आप हर किसी का के एज्यूम करते हो स्टिफनेस तो ईजी होगा, लेकिन एग्ज़ाम में वो क्या कर सकता है, हर एक कॉलम की अलग अलग स्टिफनेस भी दे सकता है के, या फिर ये कर सकता है कि जो मेरे एक्सटीरियर कॉलम है उनकी 2K है और इंटीरियर कॉलम्स की आपकी क्या है के स्टिफनेस है। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछ के दे सकता है। तो आप इसको एक तरह से अपना असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो जो मैंने लिख रखा है वो, और बाकी क्या ये जो बाहर के हैं इन सबको आपको 2K एज्यूम करना है। जो जीसी पासवाड़ा के स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये बोल रहा हूँ मैं। आप इसको के इस तरह से, अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 2K, K, K, 2K, फिर मिडल का K, K, K और फिर से 2K, 2K, 2K और 2K, सॉरी इन दोनों को आप K कर लीजिए। ठीक है, या फिर जो भी बन गया ये, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं और अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं कि सर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आपको बेसिकली स्टेप्स में ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है ताकि कोई तरह की गलती ना हो। तो अगर आप पुराने वीडियो
एक बार देख लीजिए ये वीडियो देखने से पहले। तो कंसेप्ट में अगर हम जाएं तो अगर मैं एक्स एक्सिस से या फिर एक्स डायरेक्शन में अगर मैं मेरी लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ स्टिफनेस निकालना चाह रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या था, एक्स सी आर इज इक्वल टू के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स टू प्लस के थ्री एक्स थ्री प्लस एंड सो ऑन, समेशन ऑफ के आई एक्स आई हम इसको लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई के वन प्लस के टू प्लस सो ऑन। ठीक है, अब मेरा क्या है, एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन में लेने के लिए मेरा ये रेफरेंस प्लेन ये हो जाएगा। अब सबसे पहले के वन, तो यहाँ पर मेरे कितने के हैं, कितने कॉलम हैं, थ्री कॉलम्स हैं, तो थ्री मल्टीपल विथ हर एक की स्टिफनेस क्या है, के है। तो अब यहाँ पे मैंने के कर दिया मल्टीपल विथ आपके रेफरेंस लाइन से कितना डिस्टेंस है उसका, ज़ीरो। फिर से यहाँ पर आ गए आप फाइव वाली डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे भी थ्री कॉलम हर किसी का के मल्टीपल विथ फाइव। फिर से आए तो उसकी एक्स डायरेक्शन जो मेरी रेफरेंस था प्लेन, वहाँ से कितनी डिस्टेंस है, टेन। ठीक है, और लास्ट वाले की फिफ्टीन, वहाँ पर भी मेरे थ्री कॉलम है, डिवाइडेड बाय आपको ज़ीरो वाला भी। अगर आप जब डिवीज़न में आते हैं, नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, तो आपको डिवीज़न यहाँ पे जिनका ज़ीरो डिस्टेंस है उनकी भी स्टिफनेस कैलकुलेट करनी है, लेनी है। तो कॉमन सेंस है क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो हुआ है एक्स वन की वजह से, थ्री के प्लस थ्री के प्लस थ्री के प्लस थ्री के। अब क्या है, सब में से थ्री कॉमन निकल गया है, तो ज़ीरो प्लस फाइव के प्लस टेन के प्लस फिफ्टीन के, बेसिक मैथ्स, डिवाइडेड बाई थ्री इंटू फोर के। तो ये हमारा थ्री से थ्री तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा 30K/4K, तो बेसिकली 7.5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्केच, अगर ये MCQ का क्वेश्चन होता तो देखते ही आप समझ जाते कैसे, और इसीलिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है और सबकी स्टिफनेस सेम ले रहा हूँ तो मिड पॉइंट पे ही मेरा आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 15 है ना एक्स डायरेक्शन में, तो कितना है 7.5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। लेकिन इसको सॉल्व करना क्यों दिखाया मैंने, कि अगर आपका कहीं पे सपोज़ कि मैं सेकंड रो में इस वाले का 2K ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2K, बाकी सबका K है, ठीक है, तो क्या डिफरेंस आ जाता इस वाली स्टेप में, डिफरेंस आता, ठीक है, कि 5 मीटर पे मेरे ये वाला और ये वाला दो कॉलम, तो मेरे टू कॉलम हैं जिनकी स्टिफनेस के है मल्टीपल विथ डिस्टेंस कितनी है, 5, लेकिन प्लस एक कॉलम ऐसा है जिसकी स्टिफनेस 2K है लेकिन उसकी भी एक्स कितना है उस केस में भी, 5। तो एग्ज़ाम में ये पूरा हो जाता मेरी सेकंड कॉलम, जो मेरी सेकंड लाइन है कॉलम्स की, उसके लिए ये चीज़ हो जाती इन केस अगर यहाँ पे 2K दिया होता तो। इस चीज़ का आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आसानी के साथ में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से हम लोग YCR की बात कर लेते हैं, क्वाइट सिंपल। YCR में वही है K1Y1 प्लस K2Y2 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। अब यहाँ पर क्या है, मेरा Y डायरेक्शन में नीचे चार कॉलम है तो सीधा ही ज़ीरो कर दिया, बेसिकली ज़ीरो होना है। बस मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाने के लिए पहले इतना सर किया था, लेकिन आप थर्ड ईयर में हैं आप सीधा ज़ीरो कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस फोर, फिर से यहाँ पे चार कॉलम इस रो में, तो फोर मल्टीपल विथ हर एक का के स्टिफनेस के मल्टीपल विथ डिस्टेंस कितनी दे रखी है मेरी, 5 मीटर। और लास्ट में क्या होगा, फिर से फोर कॉलम के हर किसी की स्टिफनेस और डिस्टेंस कितनी, 5 + 5 दैट इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4K + 4K एंड 4K, सो 4 इज कॉमन, डिवाइड तो आ जाएगा 5K + 10K डिवाइडेड बाय 3K, तो 15K/3K, तो बेसिकली 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। तो आपका कहाँ पर आ रहा है सेंट्रोइड, या फिर अगर आप उसको सेंट्रोइड तो सेंटर ऑफ मास के लिए यूज़ कराया जाएगा हमेशा, सेंटर ऑफ स्टिफनेस कहाँ पे आएगा, सपोज ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ पे कहीं आने वाला है, ये जो डिस्टेंस है वो मेरी 7.5, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको लास्ट में स्केच बना के दिखाना है 7.5 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो मेरी 5 मीटर। तो ये थोड़ा इजी वाला एग्जांपल दे रखा था आपको मैंने, क्योंकि अभी तक RTU ने इस तरह से पूछा है। अगर आपको एग्ज़ाम में स्टिफनेस
या नहीं दे रखी है किसी भी कॉलम की, या फिर किसी भी कॉलम की स्टिफनेस अगर हमको नहीं दे रखी है तो आप एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो कि एज्यूमिंग दैट स्टिफनेस ऑफ ईच कॉलम इज इक्वल टू के। और अगर आपको स्टिफनेस कॉलम वाइज दे रखी है तो आप बेसिकली फार्मूले में जाइए और जैसा कि मैंने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले एक दो मिनट पहले जो बताया था कि अगर यहाँ इस कॉलम का 2k होता तो क्या करते, उस तरीके से सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर MCQs से क्वेश्चन में कभी पूछता है और इस तरह से सिमेट्रिक आ गया तो सिमेट्रिक के केस में तो सेंटर ऑफ रिजिडिटी, सेंटर ऑफ मास, एवरीथिंग विल बी एट जो मेरा सेंट्रॉइड है वहाँ पे होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ रिजिडिटी के बारे में पुराना वीडियो और आज का वीडियो दोनों मिला के इस कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। अभी तक RTO में इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं। अगर आपको कोई और टाइप का क्वेश्चन मिले या फिर अगर आपको डाउट हो कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को बाकी अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं वो यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो GEC बांसवाड़ा के स्टूडेंट हैं थर्ड ईयर के, वो आपकी जो गूगल क्लासरूम है वहाँ पर उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं PDF में। मैं उसका सोल्यूशन आपको वीडियो अगला वीडियो बना के बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।